खैर मैटर और मेथड दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, और इन पे अपना फोकस किया करो, ठीक है, बाकी तो सब धीरे धीरे सीख ही जाओगे। चलो मैं एक दो क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज नॉट ट्रू, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं एक साथ में, फिर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। वी शुड लिसन टू एवरी वर्ड ऑफ दिस वाइज मैन, एक मिनट, दूसरा, the man who I gave my bag to looked up and stared at me. He has never returned from his office. देखो वैसे तो हम बहुत सी बातें सीखते रहेंगे इंग्लिश की भी और इधर उधर की भी। इधर उधर का मतलब रिलेटेड टू लर्निंग, बाकी राजनीति और धर्म नहीं। तो उसमें एक बात ये भी है कि क्वेश्चन और आंसर को छोड़ के जो होता है ना वो हमें सीखना होता है। मतलब क्वेश्चन है एक और एक उसका आंसर है, इन दोनों को छोड़ दो फिर जो बच रहा है वो हमें सीखना चाहिए। जनरली बच्चे क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर सीखने की चीज नहीं होती, याद करने की होती है। वो क्वेश्चन क्यों है, वही उसका आंसर क्यों है, बाकी आंसर क्यों नहीं है, मतलब वो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट वो हमें सीखनी चाहिए। तो यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए, हालांकि शुरुआत तो मैं तुमसे आंसर जानकारी करना चाहूंगा, फिर भी जो तुम्हें समझ में आ जाए कि ये चार क्वेश्चन हैं। आज की डेमो क्लास में मैं आपको एक मौका दूंगा ये समझने का कि इंग्लिश में टेक्निकलिटीज क्या होती हैं, जिनकी वजह से जो मतलब हमें दूसरों से अलग करते हैं। ये फोर क्वेश्चंस हैं। पहले मैं चाहूंगा एक दो मिनट आप लोग अपने आप ट्राई करके देख लो इन चारों क्वेश्चंस को, अगर गलत हो तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज। फिर उसके बाद में मैंने इंटरप्रेट और एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। अपने आप जो भी दिमाग में लिख जरूर लेना एटलीस्ट, क्योंकि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारी सोच में और बाकियों की सोच में और हमारी सोच में और सही सोच में अंतर क्या आता है। तो तुम्हें इन चारों क्वेश्चंस का जो भी आंसर समझ में आया ना तुम अपना लिख लेना, फिर जो मैं समझाऊंगा अगर वो उससे मैच कर जाए तब तो अपने समझते रहना, नहीं मैच करे तो अपना पूछ जरूर लेना कि वो तुम्हारा आंसर गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमें ये जरूर पता करना चाहिए कि अगर हम गलत हो जाते हैं तो गलत क्यों जाते हैं। नहीं तो कई बार बच्चों के साथ क्या होता है, उन्होंने कोई एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, मान लो 50 क्वेश्चन थे उसमें और उन्होंने सॉल्व किया, 30 उनके सही हो गए, अब 20 गलत हो गए। अब उन्हें वो 20 का तो खैर नहीं पता कि वो गलत क्यों हो गए, क्योंकि गलत हो जाते थे तो शायद अगर उन्हें पता होता तो वो गलत नहीं करते। अच्छा कई बार पता उन्हें 30 का भी नहीं होता कि सही क्यों हो गए, ये मजाक है। तुम्हें गलत का नहीं पता गलत क्यों हो गए, सही का नहीं पता सही क्यों हो गए, तो तुम सीख क्या रहे हो, फिर तो तुम याद कर रहे हो। तो हमें यह भी पता होना चाहिए जो सही है वो सही क्यों है, जो गलत है वो गलत क्यों है। अब बाकी ये ज्यादा पता होना चाहिए। तो इन चारों क्वेश्चंस का तुम्हें जो भी आंसर समझ में आए अपना लिख लेना अपने हिसाब से, जो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत लॉजिक काम करता हो इंग्लिश को लेकर, फिर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मुंह बंद कर ले, मच्छर घुस जाता है मुंह में कई बार। आज गर्मी कितनी हो रही है, करें शुरू। हाँ स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर का मतलब घूरना किसी पर्सन को, ठीक है, घूर कर देखना। द मैन हु आई गेव माय बैग टू लुक्ड अप एंड स्टेयर्ड एट मी, लास्ट में है ट्रू। व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज नॉट ट्रू। देखो मैं चारों सेंटेंस एक बार बोल देता हूं। व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज नॉट ट्रू। वी शुड लिसन टू एवरी वर्ड ऑफ दिस वाइज मैन। द मैन हु आई गेव माय बैग टू लुक्ड अप एंड स्टेयर्ड एट मी। ही हैज नेवर रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। मिटाते हुए चलेंगे, स्पेस हो जाएगा। चलो भाई
तो क्वेश्चन नंबर फोर हमें सबसे पहले पता करना है सही या गलत। पहले तो ये बताओ ये सही है गलत। हाँ, जो सही है वो कौन है? देवी जी हाथ नीचे कर लो क्योंकि सही नहीं है। इनसे तो मैं कुछ कह लूंगा, आपसे कह नहीं पाऊंगा। तू हाथ कर ऊपर, कर हाथ ऊपर कर। आप देवी जी नीचे कर लो, हाथ ऊपर कर। हाँ बता क्या सही है इसमें। अच्छा कह रहा सही का तो क्या बताएं। खैर बात तो यही है, सही का क्या बताओगे? ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है अब ये समझ लेते हैं। कोई बच्चा बताएगा इसमें गलत क्या है? फोर्थ क्वेश्चन की बात हो रही है। नहीं हेड क्यों लगा दोगे बताओ, वो पीछे बैठा बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट बताओ क्या है? कहां? फ्रॉम की जगह। हट, बिना मतलब देखो प्रिपरेशन चेंज कर रहे। देखो सबसे पहली चीज, जब तक अगर किसी बात को तुम्हारे पास सही या गलत, मतलब गलत कहने की जब तक कोई वजह ना हो तब तक उसको सही माना करो। ये क्वेश्चंस है ना, ये तुम्हें काफी कुछ सीखने का मौका देंगे रिलेटेड टू लर्निंग एंड रिलेटेड टू इंग्लिश, ठीक है। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस बॉय इज राम, दिस बॉय इज राम। अब ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये बॉय राम है, हालांकि तुम नहीं जानते कि राम है कि नहीं है, तो तुम मेरी बात को सही मानोगे या गलत? सही मानना पड़ेगा भाई। या तो तुम्हें पता होगा राम नहीं है श्याम है, तो तुम मुझे बताओगे नहीं यू आर रॉन्ग, दिस बॉय इज नॉट राम, दिस बॉय इज श्याम, और नहीं तो जो बताया जा रहा है उसको सही मानो। तो सबसे पहले ये चीज समझ लेना, जो तुम कंपटीशन का सिलेबस पढ़ते हो ना इंग्लिश के लिए, ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। हमसे दिक्कत क्या होती है, हम ऑब्जेक्टिव बजाय हो जाते हैं सब्जेक्टिव, हम उसको सही मानने लगते हैं जो हमें समझ में आ रहा है। जो तुम्हें समझ में आ रहा है या तुम पहले से क्या जानते हो बात वो नहीं है, वो जो लिखा गया वो सही है गलत है, वो अगर गलत है तो सही करो, सही है तो उसको छोड़ दो। अब हम क्या करते हैं कि हमें कुछ और लगा, हमें लगा कि नहीं ये होना चाहिए। तो देखो बींग डिफरेंट इज नॉट बींग रॉन्ग, डिफरेंट होना गलत होना नहीं होता ना। कोई चीज अगर डिफरेंट है जैसा तुम सोचते हो उससे, तो क्या वो गलत है? तो फिर अब मान लो तुम्हें लग रहा है कि वो ऑफिस नहीं आता, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि वो ऑफिस जाता नहीं, तो इसमें गलत क्या है? वी आर डिफरेंट। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव बनो। ये जो गलतियां होती है ना, जैसे फ्रॉम की जगह टू लिख देना, ऑफिस की जगह होम लिख देना, ठीक है, ही की जगह सी लिख देना, ये क्या है बदतमीजी? ये बदतमीजी है, तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है, बस गलती ढूंढनी है तो जबरदस्ती नहीं है तो बना लो, ठीक है, ऐसे नहीं। जब तक तुम्हारे पास फुल प्रूफ कोई बात कहने का तरीका ना हो तब तक उसको अवॉइड क्या करो, नो एरर मान लिया करो। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो नो एरर मान लो, चलो खैर नो एरर तो है नहीं, वो तो मैं पहले कई बार बता चुका हूं। और कोई बच्चा जो बता पाए कि सेंटेंस में क्या गलत है? हाँ देखो, अब मैं हैज वालों को पहले आंसर दे देता हूं। अगर मान लो हम इसमें से हैज रिमूव कर देंगे तो टेंस हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट के बजाय पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है, यही है। टेंस हम हमेशा यूज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम का जो रेफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग टेंस यूज किया जाता है। अगर कोई टाइम का रेफरेंस ना दिया हो तो फिर टेंस क्यों चेंज करोगे? मान लो मैं लिख दूं ही नोज मी, ही न्यू मी, ही विल नो मी, तो इसमें क्या गलत है? जब तक टाइम का रेफरेंस नहीं दोगे तब तक टेंस गलत नहीं होते, टेंस हमेशा गलत होता है इन रेस्पेक्ट टू टाइम। उस सेंटेंस में हमने टाइम का कोई रेफरेंस नहीं दिया तो तुम क्यों प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करके पास्ट इंडेफिनिट लिख दोगे? पास्ट इंडेफिनिट लिखने का मतलब ये टाइम पास्ट का है, उसमें ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि अब टाइम पास्ट का है, तुम अपने आप मान लो वो अलग बात है। तो टेंस भी मत चेंज करो। और बताओ, नेवर की जगह नॉट आएगा, और इसके अलावा किसी को कुछ? देखो मैं एक चीज तुम्हें ऐसे ही बता दूं, आगे सीखते रहना। जो रिटर्न वर्ब होती है वो ट्रांसलेट तब होती है जब उसका मतलब हो टू गिव समथिंग, यू हैवंट रिटर्न्ड माय मनी, ठीक है। यहां पे रिटर्न वर्ब जो है वो गिविंग के लिए यूज हो रही है, ये मूविंग के लिए यूज हो रही है। रिटर्न करना मतलब आना जाना, ठीक है। इंग्लिश में मूवमेंट शो करने वाली लगभग सारी वर्ब्स इंट्रांसिटिव होती हैं, ठीक है, गो है, कम है, अराइव है, रिटर्न है, ठीक है, फ्लाई है। तो इंग्लिश में ज्यादातर वर्ब्स जो मोशन शो करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं, वो इंट्रांसिटिव होती हैं। रिटर्न वर्ब वो मूवमेंट है यहां पे, तो ये इंट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव नहीं है, ये भी सही हो गया। इस पे आ जाते हैं। हाँ बेटा तुम्हारा क्या आंसर था? नेवर की जगह नॉट। अरे एक चीज बता, नेवर की जगह नॉट क्यों लिखे? सही तो बोल रहा बेचारा, नहीं कह पा रहा वो अलग बात है, उसको मैं भी थोड़ी सी मदद कर दूंगा। एक चीज और बता बेटा, ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई टू अस,
आप बता। He has never told a lie to us. ये सही है गलत? सही है, सही है। अब दोनों में डिफरेंस होता है। आंसर देखो यही है, ये सेंटेंस जो हमने लिखा है वो सही है और वो वाला गलत है, ठीक है। अब आंसर इसी बच्चे से पहले पूछ लेते हैं, फिर मैं समझा भी दूंगा। ये बेटा सही है तो वो गलत क्यों हो गया? इसमें सर उसकी एक बार की बात की जा रही है, ऊपर में नीचे उसकी पूरी। ये कैसे तुम्हें पता एक बार में की जा रही है? उस सेंटेंस में लिखा है, तुमने मान लिया। क्या पता लगा, हमें भी बता दो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। देखो एक चीज मैं बता दूं, जनरल सेंस कॉमन सेंस ये पढ़ाते टाइम यूज मत करना। अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना तो मुझे कुछ चीजें वो मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। एक तो ये जो होता है क्या नाम, रूल एक्सेप्शन, ये तो बकवास चीजें होती हैं, ठीक है, इनको अवॉइड करना। रूल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, फ्रेजेस हैं, और क्या एक वर्ड और होता है काफी कॉमन यूज किया जाता है कॉम्पिटिशन की क्लासेस में, सुपरफ्लुअस। ये सुपरफ्लुअस हो गया, ये फ्रेज हो गई, ऐसे यूज हो गया, ये बकवास होती है। इससे तो लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। रूल है, एक्सेप्शन है, फ्रेजेज हैं, सुपरफ्लुअस हैं, तो हमारा लॉजिक ही खत्म करके रख देंगे। तो ये सेंस वेंस मत क्या करो, सेंस नहीं हो सकता ना। सेंस से तो फिर इंग्लिश सीखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो सेंस सीख लो जाके, कहीं से अपने बदल जाएगा सही है गलत है। चलो किसी और बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो फोर्थ क्वेश्चन जो उसमें से नेवर अटैक नॉट लिख देने से सही हो जाएगा? नहीं लग रहा? चलो बढ़िया, अब आ जाओ मैं उसको समझाई देता हूँ। आंसर देखो हमने पहले समझ लेना, आंसर ये कि ये वाला सेंटेंस जो हमने लिखा है सही है और ये वाला सेंटेंस जो है हमारा गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है देखो मैं समझाता हूँ। ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये तो सारे बच्चे जानते होंगे कि ये पास्ट का एक्शन होता है जो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज हेल्प्ड मी, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, एक चीज और बताना बेटा, एक चीज बता, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन है वो प्रेजेंट का होता होगा या पास्ट का? जल्दी बोलो। हाँ, पास्ट का ही, क्योंकि अगर प्रेजेंट का होगा तो उसका कंप्लीशन तो फ्यूचर में होगा जाके। तो सबसे पहले एक चीज समझना, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं ना, ये हमेशा एक्शन होता है पास्ट का, लेकिन चूंकि वो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है इसीलिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, उसका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट, मतलब पास्ट का एक्शन प्रेजेंट से रिलेटेड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख दिया। अब मान लो कोई पर्सन है, उसने तुम्हारी मदद की, तो काम तो वो हो गया, पास्ट इवेंट हो गया, लेकिन वो अगर प्रेजेंट से भी रिलेटेड है तो हम उसको ऐसे कह देंगे ही हैज हेल्प्ड मी। अब अगर हम लिखेंगे ही हैज हेल्प्ड मी, तो हमें यह मानना पड़ेगा ये एक्शन है सिंगल अकरेंस का, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी इवेंट है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी है सिंगल। लेकिन अगर मान लो उस पर्सन ने जिसने आज हमारी अभी हाल में मदद की है, जिसको हम ये बता रहे हैं, उसने पहले भी बहुत बार मदद की हो, अब कैसे ये बात बताओगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए, रेपिटेशन शो करने के लिए, हमें कुछ सर्टेन एडवर्ब्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, उनका यूज करना पड़ता है। ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, ऑफन है, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, जब हम इसे ऐसे लिख देंगे ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, तब ये पता है सिंगल अकरेंस ना होकर मल्टीपल अकरेंस सेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ही हैज हेल्प्ड मी भी सही है और ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी भी सही है। जब हम ही हैज हेल्प्ड मी लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये एक सिंगल इवेंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लिख देंगे ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, तो जैसे हम ऑलवेज लिखेंगे तो ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, रेगुलर एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम ऑलवेज लिख देंगे तो इसका मतलब ये सिंगल इवेंट नहीं है, रेगुलर इवेंट है जो रेगुलरली हुआ है। अच्छा, टाइम उसका क्या है? टाइम है पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो चूंकि टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट है, इसीलिए टेंस तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा। अगर सिंगल इवेंट है तो ऑलवेज नेवर मत लिखो, अगर मल्टीपल अकरेंस में हुआ इवेंट है या रेगुलर इवेंट है तो उसको ऑलवेज नेवर के साथ लिखो। तो हालांकि टेंस वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, अभी अपने ये समझना है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज नेवर सेल्डम ऑफन का यूज करते हैं जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक्शन एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, ठीक है। ये हो गया सही। अब यहां जाओ, हमने लिखा ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई टू अस। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने आज भी हमसे झूठ बोला, और इससे जितनी बार पहले वो बोला हमेशा झूठ ही बोला, तो हम कह देंगे ही हैज ऑलवेज टोल्ड अ लाई टू अस। तो इसका मतलब ये अगर रेगुलर इवेंट हो गया। लेकिन अगर मान लो उसने हमसे झूठ नहीं हर बार सच बोला, तो हम कह देंगे ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई टू अस। तो अगर हम ये लिख देंगे ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई टू अस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल द टाइम ही टोल्ड इज ट्रुथ, जब भी उसने बोला सच ही बोला, झूठ कभी नहीं बोला, ठीक है।
तो ये जो नेवर और ऑलवेज हम यूज करते हैं ना, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं फ्रीक्वेंसी किसी इवेंट की। तो अगर हम ऐसे लिख दें ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई टू अस, तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट पर्सन हैज ऑलवेज टोल्ड ट्रुथ टू अस, उसने जब भी हमसे बोला सच बोला, झूठ नहीं बोला। चलो ये तो हो गया सही, यहां पर भी उसने सच बोला, यहां पर भी सच बोला, यहां पर भी सच बोला, यहां भी सच बोला। अब यही बात हम इस पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ही हैज नेवर रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, कि वो ऑफिस से कभी वापस ही नहीं आया। तो अगर हम नेवर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये एक्शन फ्रीक्वेंट होगा, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है ऑफिस गया और वहां से एक बार वापस नहीं आया, नेवर का मतलब है नेगेटिव, वो एक बार वापस नहीं आया, दूसरी बार भी वापस नहीं आया, तीसरी बार भी वापस नहीं आया, नेक्स्ट टाइम भी वापस नहीं आया, नेक्स्ट टाइम भी वापस नहीं आया, इज इट पॉसिबल? क्यों ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि दोबारा नहीं आने के लिए उसको एक बार जाना पड़ेगा, यही होगा ना भाई। अगर वो वापस दोबारा नहीं आया तो इसका मतलब एक बार तो गया ही होगा, फिर नहीं वापस आया तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जो एक बार वापस आ गया ठीक है, वो दोबारा वापस तब तक नहीं आ सकता जब तक वो वापस फिर से वहीं ना पहुंच जाए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हम टेलिंग लाई के लिए यूज कर रहे हैं वो रिटर्निंग के लिए गलत हो जाएगी, क्योंकि जो पर्सन एक बार नहीं आया फिर वो दोबारा तिबारा भी नहीं आएगा जब तक वो वापस वहां जाए नहीं, और जब वो वापस चला जाएगा तो इसका मतलब वो वापस आके गया है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना गलत हो गया, उसकी जगह लिखोगे नॉट दिस जगह। मैं फिर से एक चीज बता देता हूं, ये रूल्स और एक्सेप्शन जो होते हैं ना, ये वास्तव में कोई चीज होते नहीं है। हाँ, ये सारी चीजें जो होती है ना कहीं ना कहीं पे कॉन्टेक्स्ट पे काम करते हैं। जो कॉन्टेक्स्ट होता है पर्टिकुलर सेंटेंस का, कि जिस सेंटेंस को हम लिख बोल रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में वो वैलिड होगा या नहीं होगा। अगर वैलिड हो जाएगा तो रूल काम का, नहीं वैलिड हुआ तो फिर रूल बेकाम का। अच्छा, होता भी क्या है, मान लो हमने कोई रूल याद कर लिया, उसको याद कर लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आया। रूल तो याद हो गया लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। तो अगर रूल याद हो गया बात समझ में नहीं आई तो फिर रूल बेकार ही हो गया, जब बात ही नहीं समझ में आ रही। अच्छा, बात समझ में आ गई, रूल याद हुआ नहीं, तो फिर चिंता भी क्या करनी, बात समझ में आनी थी, जो आई गई रूल का क्या करोगे। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर कॉन्सेप्ट हमें पकड़ में आ जाए, बात हमें समझ में आ जाए, तो फिर हम रूल्स के झंझट में क्यों पड़े। बात समझ में आ गई तो रूल की जरूरत ही नहीं रह गई। अच्छा, बात समझ में नहीं आई तो फिर रूल का कर भी क्या लोगे जब बात ही नहीं समझ में आई। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। तो जब भी हम नेवर ऑलवेज का यूज करते हैं तो ये तो सबको पता है कि ऑलवेज नेवर जो होते हैं वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, उनका मतलब होता है रेगुलर इवेंट। तो अगर कोई ऐसा एक्शन हो जो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक रेगुलरली हुआ है, जिसकी मल्टीपल अकरेंसेज है, कई बार हुआ है, तो हम ऑलवेज नेवर के साथ बताएंगे। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो वास्तव में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी शो नहीं कर सकते, जैसे कि वो रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस वाला है, जो अगर वापस नहीं आया ना, उसका दोबारा का तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर वो एक बार आया नहीं तो फिर वो जाएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं तो वापस आएगा भी नहीं, तो वो कॉन्टेक्स्ट वहां पे गलत हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन की एरर ये है कि नेवर की जगह नॉट लिखो सही जाएगा। वो सिंगल फ्रीक्वेंसी इवेंट है, वापस नहीं आना सिंगल फ्रीक्वेंसी है, झूठ नहीं बोलना मल्टीपल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो वहां पे नॉट लिख दो सिंगल फ्रीक्वेंसी है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में नेवर लिख दो। बाकी बाद में जब कभी हम नॉट और नेवर के यूजर डिस्कस करेंगे वर्ब में तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ, टू नहीं हालांकि ये थ्री है। द मैन हु आई गेव माय बैग टू लुक्ड अप एंड स्टेयर्ड एट मी, बता दो। चलो इसका भी शुरुआत कर दो। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा तो नहीं कि इसमें नो एरर हो, सही हो सेंटेंस, गलत ही ना हो? हाँ गलत है। चलो अब बताओ कि इसमें गलत क्या, हुम आएगा? देखो एक दो छोटी छोटी बातें समझ लेना। हमने एक सेंटेंस लिखा, टू होम गेव द मनी, होम यू नो इन दिस सिटी, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस हमने लिखे, दोनों में होम हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर ध्यान से देखना तो ये वाला जो होम है ना, ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का और ये ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। ठीक है, तो होम जो है ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन एक में ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन टू का, एक में ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का, नो वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट है होम। जो प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं इनके साथ में दो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। यहां पे जो पॉसिबिलिटी काम कर रही है जरा उसे समझ लेना। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही गेव मी द मनी। अब ये जो वर्ब हमने लिखे ना गेव, इसके साथ दो ऑब्जेक्ट लिखे, एक लिखा मनी और एक लिखा मी। ये जो मनी है, तुम में से जो बच्चे जानते हो ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में यूज किए गए वो वर्ड्स जो व्हाट या होम को रिप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं,
जो मनी वर्ड है ना ये व्हाट का रिप्लाई है, और होम जो है मी जो है वो होम का रिप्लाई है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं, व्हाट का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट होता है, होम का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट होता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में हम इनमें से किसी एक का ही यूज कर सकते हैं। एक का ही यूज करने का मतलब जैसे ही हेल्प्ड मी, तो इसमें हमने केवल एक ही ऑब्जेक्ट यूज कर पाया मी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाए। अच्छा, ही एट फूड, इसमें भी हम एक ही ऑब्जेक्ट लिख पाए। अब ये वर्ब्स जिनके साथ में हम एक ही ऑब्जेक्ट लिख पाते हैं, व्हाट का या होम का रिप्लाई, इन्हें हम कहते हैं मोनोट्रांसिटिव। देखो, जिन वर्ब्स का तो ऑब्जेक्ट लिख लें वो ट्रांसिटिव होती हैं, जिनके साथ हम एक ही ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या तो व्हाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई, इन्हें हम कहते हैं मोनोट्रांसिटिव। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम दोनों ही लिख सकते हैं, व्हाट का रिप्लाई भी लिख सकते हैं, होम का रिप्लाई भी लिख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं डाई ट्रांसिटिव। डाई का मतलब टू, ठीक है। तो ये जो हमारी गेव वर्ब है ना, डाई ट्रांसिटिव वर्ब है, इसके साथ हम दोनों ही ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, व्हाट का भी और होम का भी। अच्छा, जब हम किसी वर्ब के साथ दोनों ही रिप्लाई लिख देते हैं, व्हाट का भी रिप्लाई लिख देते हैं, होम का भी रिप्लाई लिख देते हैं, तो उनमें जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का रिप्लाई होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान देना ये बात तब के लिए जब किसी वर्ब के साथ दोनों ही ऑब्जेक्ट लिखे हों, व्हाट का भी रिप्लाई और होम का भी। अब ये जो होम के रिप्लाई होते हैं ना, जिन्हें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ये एक्चुअल में होते क्या, या तो ये होते हैं बेनिफिशरी, जिनके लिए कोई काम किया गया जिससे उन्हें फायदा हो, या फिर ये होते हैं रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब जिसने किसी काम को रिसीव किया। जैसे कि अगर ये सेंटेंस हम चाहें ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गेव द मनी टू मी। ही गेव द मनी टू मी, ये जो टू प्रेपरेशन यूज होते हैं ना, ये रेसिपिएंट के लिए यूज होते हैं। रेसिपिएंट का मतलब जिसने किसी चीज को रिसीव किया। मान लो मैंने कोई चीज किसी को दी, तो जिसने भी उसको रिसीव किया वो हमारा टू प्रेपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब देखो, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, होम के रिप्लाई, इनको अगर हम चाहें तो प्रेपोजिशन की मदद से भी लिख सकते हैं। इनको जब हम प्रेपोजिशन के साथ लिखते हैं, तो वहां पे प्रेपोजिशन या तो टू यूज होती है या फॉर यूज होती है। अगर हम किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चाहें तो प्रेपोजिशन के साथ भी लिख सकते हैं, तब हमें प्रेपोजिशन वहां पे टू या फॉर लिखनी पड़ती है। फॉर प्रेपोजिशन जो यूज होती है, ये यूज होती है बेनिफिशरी के लिए, मतलब हमने काम किया किसके फायदे के लिए ये बताना है, तो फॉर। अगर हमने कोई चीज भेजी है, दी है, किसको दी है, किसने उसको रिसीव किया, तो टू। तो रेसिपिएंट के लिए प्रिपरेशन टू यूज होती है, बेनिफिशियरी के लिए फॉर यूज होती है। माय फादर बॉट अ कार फॉर मी, ठीक है। एक एग्जांपल से देखो, लिखी देता हूं चाहे अपना समझ लेना। ही बॉट मी अ कार, ये लिखा। तो जो मी है ना, ये रेसिपिएंट नहीं है, ये बेनिफिशियरी है, मतलब उस पर्सन ने कार खरीदी है, तो कार किसके लिए खरीदी है, तो वो मी हो गया। तो अगर हम इसी को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अ कार फॉर मी। तो ये देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मी था ना, हमने उसको प्रेपोजिशन के साथ ऐसे लिख दिया। यहां पे जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी था, हमने उसको ऐसे लिख दिया। तो ये जो होम के रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये एक्चुअल में होते गए, या तो ये बेनिफिशरीज होते हैं जिनको किसी चीज का फायदा मिला होता है, या फिर ये रिसिपिएंट होते हैं जिन्होंने किसी चीज को रिसीव किया होता है। मान लो मैंने कोई चीज भेजी या दी किसी को, तो जिसने रिसीव किया वो टू के साथ लिखा जाएगा। कुल मिला के ये वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जो चीज खरीदी गई होती है, जो काम किया गया होता है, या जो चीज भेजी गई होती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, वो हमेशा थिंग्स होती हैं। वो जो हमने टू लिखा है ना, ध्यान से देखना, होम के साथ वो जो होम है ना, वो रेसिपिएंट है, ठीक है। तो वो रेसिपिएंट वाला हो गया। अगर हम उसको चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के भी लिख सकते हैं, फिलहाल में हमने प्रेपोजिशन के साथ में लिख रखा है। अभी जब छोटी छोटी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और जो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हम उनको प्रेपोजिशन के साथ लिखें तो कैसे लिख पाएंगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद, तुम में से ज्यादातर बच्चों ने यह सीखा होगा कि, या पहले से पढ़ रखा होगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन की शुरुआत जो होती है वो हमेशा उससे होती है, क्या नाम, या तो हेल्पिंग वर्ब से या डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से। सबने पढ़ा होगा क्वेश्चन की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से या डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से। फिलहाल में यहां पर हमने शुरुआत की है इसकी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से। एक मिनट, इसमें कुछ मिसिंग है। होम यू नो इन द सिटी, टू होम डिड यू गिव द मनी, ऐसे लिखना था। टू होम डिड यू गिव लिखना। अब ये देखो, ये जो हमने टू शुरू में लिख देना है, गलत है। क्वेश्चंस की शुरुआत डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से या हेल्पिंग वर्ड से करनी चाहिए। ये जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रिपोजिशन को लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे, होम डिड यू गिव द मनी टू। अब अगर ये होम वर्ब का ऑब्जेक्ट होता जैसे ये वाला है, तब तो ये सही होता है। लेकिन जो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जब हम उनको प्रेपोजिशन के साथ लिखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा करो, नहीं तो नॉमिनेटिव केस में लिखा करो।
एक YouTube पे वीडियो है मेरा केसेस का, हालांकि मैं कंपटीशन की क्लासेस में उनको अंदर डिटेल में डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये जो हम टू और फोर के साथ में ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं ना, ये होते हैं असल में हमारे डेटिव केस। और डेटिव केस जो होता है ना वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है, मतलब ये संस्कृत वगैरह में है और लैटिन इंग्लिश वगैरह में है, हमें उससे ज्यादा लेन देना नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि जो टू और फोर के साथ में हम लिखते हैं ना, ये डेटिव केस होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे हम कह रहे हैं ना एक्चुअल में, ठीक है, और ये नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। तो अगर प्रीपोजिशन के साथ लिखोगे, अब इंग्लिश में क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं प्रीपोजिशन के साथ वो सारे ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। जब हम टू के साथ लिखेंगे तब तो हुम लिखेंगे, लेकिन अगर हम इस प्रीपोजिशन को यहां पे लिख दें तो फिर ये हु लिखा जाएगा। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं टू और फॉर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, अगर वो प्रीपोजिशन के साथ लिख रहे हो तब तो लिखा करो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में हुम, लेकिन अगर वो प्रीपोजिशन के साथ नहीं लिख रहे हो, अलग अलग लिख रहे हो, तो वो लिखे जाते हैं हमेशा नॉमिनेटिव केस में हु। तो अगर टू और हुम साथ लिखोगे तब तो वो सही है, नहीं तो उसको हु लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको हु क्यों नहीं लिख दिया ये भी समझ लेना। इसको हम हु इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि एक्चुअल में ये एक्यूजेटिव केस है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये जो नो वर्ब है ना इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पे हु आएगा, गलत कह रहे हो भैया, ये हुम जो कह रहे हैं ये सही लिखा हुआ है। ये बात मैंने केवल तुम्हारी ये बात प्रूव करने के लिए समझा दी। देखो पता क्या होता है, पेपर में जो हमारे नो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो वास्तव में सबसे टेढ़े होते हैं क्योंकि हम जबरदस्ती कोई ना कोई एरर ढूंढ जरूर लेते हैं। अच्छा, नो एरर के क्वेश्चन दो तीन तो हो ही जाते हैं पेपर में, उनको समझने के लिए हमें सब कुछ जानना होता है। तो नो एरर के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे सही तभी होते हैं जब हमें सारी चीजें डिटेल में पता हो। अगर हमें सारी चीजें डिटेल में नहीं पता होती तो नो एरर वाले क्वेश्चन तो हमसे गलत होंगे होंगे। तो जो बच्चे इसको हुम लिखना चाह रहे हैं ना, ये हुम नहीं सही, ये सही है, मतलब हु सही है। एक्चुअल में ये जो हुम ने लिखा ना इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है टू का। चलो, तो ये तो तुम्हारा फ्लॉप हो गया आइडिया। और कुछ देखो, और कुछ एरर हो सकती है, कुछ और सोच लो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर किसी को इसमें कोई चीज गलत नहीं लग रही तो सही क्यों नहीं मान लेते तुम लोग इसे? अगर मान लो तुम्हें इस सेंटेंस में कुछ गलत ही नहीं लग रहा तो इसको सही मान लो ना, ये नो एरर है। कॉम्प्रिहेंशन में समझा देता हूं बच्चे, देखो कॉम्प्रिहेंशन पता है इसका क्या? इसको ऐसे देखो, जो बच्चे इसको मीनिंग डिकोड करने में दिक्कत हो रही है, जिन्हें अटपटा लग रहा है, वो ऐसे देखें, ये द मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया, लुक्ड अप एंड स्टेड एट मी इसका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। मान लो कोई मैन है, उसने ऊपर देखा, आप यहां पे एडवर्ब है ध्यान देना, आपका मतलब ऊपर, ठीक है। द मैन लुक्ड अप एंड स्टेड एट मी, उस आदमी ने ऊपर देखा और मेरी तरफ घूरा, ये हो गया, ठीक है। विच मैन, कौन सा मैन, तो उसके लिए हमने ये रिलेटिव क्लॉज लिख दी, हु आई गेव माई मनी टू, जिसको मैंने वो बैग दिया, ठीक। तो ये जो हुम बच्चे लिखना चाह रहे हैं ना, एक्चुअल में इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आई गेव माई बैग टू द मैन एंड द मैन लुक्ड एट मी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आदमी जिसको मैंने अपना बैग दिया उसने ऊपर की तरफ देखा और मुझे घूरा। हालांकि धीरे धीरे ट्रांसलेशन वाली आदत छोड़नी पड़ेगी, मेरी कोशिश होगी वो कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो कि हमें ट्रांसलेशन ना करना पड़े पेपर में, क्योंकि अगर पेपर वाले दिन ट्रांसलेशन करना पड़ गया तो वास्तव में फिर कोचिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर हमें पेपर वाले दिन ये बोलकर पता करना पड़ा है क्या सही है क्या गलत है तो फिर कोचिंग लेने का कोई फायदा तो मिले ही नहीं। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, क्लियर। फिर भी देखो मैं बता रहा हूं, अगर किसी को लग रहा है कि सेंटेंस में कुछ गलत है तो अपने मन का निकाल लेना, और नहीं अगर ओके रिपोर्ट है सब समझ में आ गया तो अपने क्वेश्चन नंबर टू पे चले जाओ। We should listen to every word of this man. फिर से क्वेश्चन नंबर टू सही है गलत? क्वेश्चन नंबर टू सही है गलत? सही है। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें मतलब क्लियर कर देता हूं चीजों को। इन फोर ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन नो एरर था जो कि डिस्कस हो गया, बात समझ में आई? तो एक ही क्वेश्चन था जिसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, वो यही था। अब वो दोनों ही गलत हैं, बस हमें पता करना है कि उनमें गलत क्या है। एक बार सोचो तो, दिमाग दौड़ाओ तो, जितना आज तक पढ़ा सीखा हो उसके बेसिस पे। हाँ, एक तो टू नहीं आएगा, और सोचो। हाँ, दिस नहीं आएगा, और सोचो।
खूब सोच लो जो समझ पाओ, ठीक है, क्योंकि फिर मैं तुमसे पूछूंगा ये क्यों नहीं आएगा जो तुम बता रहे हो। चलो, कोई बच्चा ऐसा जो ये बता पाएगी इस क्वेश्चन नंबर टू में को जो हमसे गलती हो रही है वो क्या है, अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया हो। सब ध्याती हो क्या है? क्या गलत हो सकता है इस क्वेश्चन नंबर टू में? जल्दी बोलो, इस क्वेश्चन नंबर टू में अगर कोई मिस्टेक हो तो क्या हो सकती है? एवरी। क्यों क्यों कह रहे हो कि एवरी गलत होगा? और मैं मान लो थोड़े समय के लिए मान लो कि जो तुम कह रहे हो वास्तव में वही आंसर है, तो तुम मुझे ये समझा पाओगे कि एवरी क्यों गलत है वहां पे? एवरी का मतलब ऑल होता है ना, एवरी वर्ड्स, तो मतलब हम कह रहे हैं भाई ये आदमी है, इसके जितने भी शब्द हैं वो सब ध्यान से सुनो, ठीक है। तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई वाइज मैन है तो उसके बाद आधी अधूरी सुननी चाहिए पूरी? तो फिर क्यों एवरी को हटा रहे वहां से? पड़ोसी नहीं पकड़ में आ रहा, सिखा दूं? सिखा दूं? आ जा। माय ब्रदर इज अ टीचर। अब देखो समझना, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। माय ब्रदर्स आर टीचर्स, देखो मैं एक चीज और समझा देता हूँ। ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पे डिस्कस करेंगे, मतलब ये चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं डेमो में केवल सेकंड क्लास से मैं मतलब यहाँ पे अपना फॉर्मल सिलेबस स्टार्ट करता हूँ, और पहली क्लास में एक मौका देता हूँ आप लोगों को ये समझने का कि बातों को कहने का, बातों को समझाने का मेरा तरीका क्या है, ठीक है। तो ये डेमो क्लास है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत, हालांकि मैं गलत शायद कह रहा हूँ, सीरियसली लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन हमारे आने वाले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो सब कहीं ना कहीं पे डिस्कस जरूर होते हैं। जैसे अगर मैं बता दूं, वो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था ना, कौन सा था बताएगा कोई बच्चा, क्या था? वो हम टेंस में सीखते हैं, वो हम टेंस में पढ़ते हैं, टेंस में सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, वो तो नोएरर ही था, तो उसको तो खैर कहाँ सीखते हैं, वो तो कहीं नहीं सीखते। क्वेश्चन नंबर टू जो है ना, ये हम नाउन चैप्टर में सीखते हैं, और ये जो हमारे क्वेश्चन है, हम कंजंक्शन में पढ़ते हैं। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस हमारे उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पे जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया वो अलग बात है, बस ये समझना है क्या वास्तव में ये जो तरीका समझाने के लिए यूज किया जा रहा है, ये वास्तव में सही तरीका है? ऐसी चीजें समझ में आएंगी, याद रहेंगी कि नहीं? मतलब डेमो का मतलब यही है। अब सिलेबस कल से स्टार्ट करेंगे। एक बार ये बताओ, ये दोनों सेंटेंस सही है गलत? माय ब्रदर इज अ टीचर, माय ब्रदर्स आर टीचर्स, सही है गलत? ऊपर वाला ठीक है, ये वाला गलत है? हाँ, कि ये क्यों गलत है बताना एक बार। हाँ, सारे थोड़ी टीचर हो जाएंगे। हाँ और क्या। मैं देखो लास्ट टाइम तो नहीं, मैं पिछली बार बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ, कभी भी सब्जेक्टिव होके पेपर को मत पढ़ा करो। तुम ऐसा क्यों मान लेते हो कि सारे टीचर नहीं होंगे? सारे हो जाए हमें क्या लेना देना। हाँ तो टीचर सही लिखा ना, माय ब्रदर्स आर टीचर्स, मेरे जितने भाई हैं सारे टीचर्स हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा एक चीज बताओ, टीचर जो है ये वर्ड क्या है, नाउन या एडजेक्टिव? नाउन है। एक मिनट रुको तो सही है, पूछना तो बात पूरी। नाउन है टीचर, नाउन सिंगुलर नंबर है प्लुरल नंबर? सिंगुलर नंबर, ठीक है। जो माय ब्रदर सब्जेक्ट लिख रहे हैं सिंगुलर है प्लुरल? प्लुरल है। तो इसका जो रेस्पेक्टिव कॉमन नाउन होगा वो सिंगुलर होगा प्लुरल होगा? तो प्लुरल लिखोगे तो टीचर्स है टीचर, फिर क्यों परेशान? तो एक चीज बताओ यार, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, नाउन सिंगुलर आएगा? राम एंड, बढ़िया है, तुम लोग अपना पूछ रहे हो, मैं चाहता हूं वैसे तुम पूछ लो, राम एंड श्याम आर सिंगल। तुम मेरे से ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहां पे सिंगल लिखूं, ये कहना चाह रहे हो? ये कह रहे हो, चलो सिंगल सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो फिर डिटर्मिनर भी लिखना पड़ेगा भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो बिना डिटर्मिनर के भी नहीं आएगा। अब तुम मुझे फिर से बताओ, ये जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो वास्तव में लॉजिकल है? राम एंड श्याम इज अ सिंगर, आर अ सिंगर, नहीं है ना? फिर क्या लिखोगे उसको सही करने के लिए? तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा सिंगुलर होता है?
ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे भाई एक की बात कर रहे हो तो उसका रेस्पेक्टिव नाउन सिंगुलर लिखो, अगर बात कर रहे हो मल्टीपल की तो रेस्पेक्टिव नाउन भी प्लुरल नंबर का आएगा, तो भी टीचर सही तो लिखा है। अब तुम बच गए, अभी इसी को पकड़ूंगा, ठीक है इधर आ जा। ये दोनों सेंटेंस सही है गलत? हाँ पहला वाला सही है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगा। दूसरे वाला हाँ टीचर लग रहा है तुम्हारा आदमी को पजामा, जब वहां से समझा दे तो सीख जाओ ना तुम। माल देखो हमारे साथ गलतियां होती हैं, जब उन गलतियों का हमें पता चलता है तो सुधार करना चाहिए। या फिर मान लो हो सकता है मैं ही गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई ब्रह्मा जी हूं, मैं हर एक बात सही जानता हूं, हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो, लेकिन फिर मुझे एक चीज बताओ तो सही कि वहां पे तुमने सिंगर्स लिख दिया, यहां पे टीचर क्यों लिखना चाह रहे हो? केवल इसलिए कि तुम्हें बोलने में अच्छा लग रहा है और डू यू हैव गॉट सम लॉजिक? भाई वहां पे तुमने सिंगर्स लिख दिया, अब यहां पे तुम टीचर लिख देना चाह रहे हो, टीचर लिखने के लिए तुम्हारे पास कोई लॉजिक है? और डज इट सीम प्लेजेंट टू यू, सुनने में बोलने में अच्छा लग रहा है इसलिए लिख रहे हो? तो फिर दूसरे का सीख लिया करो ना। जब तुम्हें यह भी नहीं पता कि ये सही है, तुम्हें यह भी नहीं पता ये गलत है, तो इसका मतलब फिर जो समझाएगा उसका तो मानोगे? अब हमें भी पता नहीं, दूसरे की हम मानेंगे नहीं, तो फिर सीखोगे कैसे? तो ये जो हमने टीचर्स लिखा वो ठीक है, क्योंकि टीचर नाउन होता है और जिस नाउन को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्लुरल को, तो अगर ये प्लुरल है तो बाय डिफॉल्ट ये प्लुरल हो जाएंगे, ठीक है? सारे पर्सन मिलकर एक सिंगल टीचर तो नहीं बनेंगे ना, तो अगर सिंगल सारे लोग मिलकर एक सिंगल टीचर नहीं बन पाएंगे तो नॉन प्लुरल लिखो, बड़ी सीधी सी बात है, जैसे वहां पर सिंगल्स लिखा, अब इसमें नहीं समझ में आने वाली बात क्या है? खैर ये दोनों ही सही हैं। अब देखो इनका मतलब समझना, एक भाई है और वो टीचर है, ठीक है? बहुत भाई हैं, मतलब प्लुरल लिख रहे हैं तो एक से ज्यादा ही होंगे और सब टीचर हैं। अब हम एक तीसरी सिचुएशन यहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि भाई कई हैं लेकिन टीचर उनमें से एक ही है। अभी तीसरा सेंटेंस सही है गलत? माई अ ब्रदर, उसी को बोलने दो। आप सही करें से। दो डिटर्मिनर एक साथ कैसे आ सकते हैं? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हिले हुए क्या पड़ोसी? बेटा ये सेंटेंस सही है गलत? हाँ सही कर। देखो पता क्या, ये जो माई है ये पजेसिव का इसका डिटर्मिनर है। अगर हम किसी नाउन के साथ में माई लिख दें तो इसका मतलब वो नाउन हमारे लिए डेफिनेट या इनडेफिनेट? भाई अगर मान लो ये फोन है और मतलब मार्कर है, मैं कह दूं माई मार्कर, तो ये मार्कर डेफिनेट हो गया इनडेफिनेट? डेफिनेट। ए आर्टिकल किन नाउन के साथ यूज होता है, जो डेफिनेट या इनडेफिनेट? इनडेफिनेट। असल में होता क्या, कुछ नाउन्स ऐसे होते, कुछ डिटर्मिनर्स होते ऐसे होते हैं जो डिफाइन करने का काम करते हैं। जैसे दिस जो है ए एन आर्टिकल जो है, अरे माई योर वगैरह, ये जो सब होते हैं पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स, ये डिटर्मिनर्स होते हैं डिफाइनिंग, मतलब ये नाउन को डिफाइन करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं दिस कार, तो कार डेफिनेट हो गई, द कार लिख दूं तो भी डेफिनेट हो गई, माई कार लिख दूं तो भी डेफिनेट हो गई। तो ये जो डिफाइनिंग नेचर के डिटर्मिनर्स होते हैं ये एक साथ नहीं आते, बाकी तो आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दो डिटर, अगर तुम्हारे किसी के दिमाग में बैठा हुआ कि दो डिटर्मिनर एक साथ नहीं आते तो उसको सही कर लेना, दो डिटर्मिनर बहुत बार एक साथ आते हैं। मैन या कार हैज ब्रोकन डाउन, सही है गलत? हाँ सही है ना। तो यहां पे एक चीज और समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट मत बना लेना, ये चीजें हमें आसान लगती है बोलने सुनने में और हम इन्हें याद कर लेते हैं। दो डिटर्मिनर बिल्कुल एक साथ आ सकते हैं लेकिन दो डिफाइनिंग डिटर्मिनर एक साथ नहीं आ सकते। अच्छा जो आर्टिकल्स होते हैं दिस दैट दिस दोज होते हैं, और ये जो माई अवर योर होते हैं, ये पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव और ये आर्टिकल्स, इनका काम होता है डिफाइन करना किसी नाउन को, ये एक साथ में नहीं आते। तो हम डिफाइनिंग डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं लिख सकते, माई लिख दिया तो ब्रदर डेफिनेट हो गया, ए लिख रहे हो तो इसका मतलब इंडेफिनेट है, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गया। अब इसको हमें सही करना है। अब मान लो बहुत से भाई हैं, उनमें से कोई एक ही टीचर है, तो उसको ऐसे लिखने के बजाय इसको ऐसे लिखो, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ टीचर। अब यहां पे देखो हमने किया क्या, ये जो माई ब्रदर्स है ना, ये है टोटल, माई ब्रदर्स का मतलब ऑल ब्रदर्स, ठीक है? और ये वन जो है ना, ये उस टोटल का एक पार्ट है जो कि टीचर है, बाकी टीचर नहीं है, तो हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया। ये जो ऑफ है ना, ये प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं पार्ट और उसके टोटल को रिलेट करने के लिए, कोई पार्ट है और उसका टोटल है उसको।
तो माय ब्रदर्स टोटल हो गया, उनमें से एक जो है वो टीचर है, तो हम उसको सब्जेक्ट बना के ऐसे लिख देंगे वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ टीचर। अब इसी को एक दूसरे एंगल से समझ लेना, ये सेंटेंस सही हो गया। ये जो वन हमने यूज किया है वर्ड, ये किसकी जगह पे यूज हुआ जरा एक बार बताओगे? अरे भैया वन किसकी जगह यूज कर रहे हो? उस ब्रदर की जगह जो टीचर है उसी की जगह यूज कर रहे हो ना। अगर हम चाहें तो इस वन को हटा के उस ब्रदर को यहां पे लिख दें। अब ब्रदर ऐसे लिख दिया, ठीक है, उसके बाद ऑफ आ गया। अब देखो ये जो हमने माय अब ब्रदर लिख दिया ना, ये हमारा नाउन हो गया और ये माय ब्रदर्स भी नाउन है। तो अगर हमने एक बार उस नाउन को रेफर कर लिया जिसके बारे में बात की जा रही, तो दोबारा लिखने उसकी जरूरत नहीं, उसकी जगह हम प्रोनाउन लिख देंगे। माय ब्रदर्स की जगह अगर हम प्रोनाउन लिखें तो क्या आएगा? माइन। माइन का मतलब क्या हो गया? माय ब्रदर्स। तो इसी सेंटेंस को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ टीचर, उसी तरीके से हमने लिख दिया अ ब्रदर ऑफ माइन इज अ टीचर। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है। अच्छा, वन ऑफ माय ब्रदर्स जो है वो एक कॉमन एक्सप्रेशन है जो हम बहुत ज्यादा बोलचाल में लिखने पढ़ने में यूज करते हैं। अ ब्रदर ऑफ माइन जो है ना, ये कम बोले जाने वाले एक्सप्रेशन है, ये सीधे पेपर वाले दिन ही मिलते हैं, कम ही मिलते हैं वो असल में। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब जब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया हो, तो देखो मैं इसके और एप्लीकेशन समझाता हूं। ए बी सी डी हो गया, डी लिखो। अ फ्रेंड ऑफ मी, ये छोड़ो, अ फ्रेंड ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट। और दूसरा हमने लिखा द फ्रेंड ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट। और इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शन दे देता हूं, मी, माय, माइन, आई। अब जरा उन दोनों क्वेश्चन फिर से एक बार समझा देता हूं। वो जो दोनों क्वेश्चन हैं, यहां से जो कहानी शुरू हुई है ना, सी क्वेश्चन है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है। तो वो जो डी और ई क्वेश्चन है ना, एक बार उनको ट्राई करके देखो, तो अगर बात को समझ में आई तो। डी और ई जो दोनों क्वेश्चन हैं, अ फ्रेंड ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट एंड द फ्रेंड ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट, देखो कुछ पकड़ में आ रहा है? आंसर बता दो इसका एक बार। अब देखो इनमें एक चीज और समझ ले रहा, वो जो दोनों क्वेश्चन हमने लिखे ना, उनमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आके अब इन्वॉल्व हो चुका है। वो कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ पे फ्रेंड नाउन के साथ हमने आर्टिकल ए लिखा और यहाँ पे हमने द लिखा। अब ये जो ए और द है, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो ए आर्टिकल हम किन नाउन्स के साथ यूज करते हैं? जो इनडेफिनिट हो। और द किसके साथ यूज करते हैं? डेफिनिट हो। कैसे पता चलता है कि नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? वैसे तो दुनिया भर के तरीके होते हैं, लेकिन एक कॉमन तरीका, एक मतलब काफी सबसे आसान तरीका जो होता है वो मैं यूज कर लेता हूं। मान लो ये बहुत से लोग हैं कहीं पर, ठीक है, ये सारे लोग हैं, ठीक है, और मैंने किसी से पूछा, ये तुम्ही से पूछा, ठीक है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? इनमें से कोई एक ऐसा आदमी है जिसको तुम जानते हो। मान लो वो आदमी ये है, तो मुझे क्या बोलोगे? आई नो अ मैन कि आई नो द मैन? किसी को बोलने दो, बाकी चुप रहो। ये बहुत से लोग हैं, मैंने पूछा तुम इनमें से किसी को जानते हो, और इनमें से एक ऐसा आदमी जिसे तुम जानते हो, तो उसको बताने के लिए आंसर क्या करोगे? आई नो अ मैन, आई नो द मैन, यही बोलेगा, बाकी चुप रहना। पड़ोसी, द मैन। अच्छा, द मैन क्यों बोला तुमने? तुम्हें कैसे पता लगे वो आदमी कौन है? भाई अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं आई नो द मैन, तो द मैन ही क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोल दिया? देखो मैं बताता हूं, जब भी हम किसी नाउन को डेफिनेट कहते हैं ना, इनडेफिनेट कहते हैं, तो वो हमेशा यूज होता है स्पीकर के टर्म में, कि जो स्पीकर है हमारा, जिसको हम ये बात बता रहे हैं, ठीक है, वो तो हमेशा उस मैन को जानते ही होगा जिसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन जिसको बता रहे हैं अगर वो भी जानते हैं तो वो डेफिनेट है। अब अगर ये मान लो बहुत से मैन है और इनमें से हमें किसी एक को रेफर करना है, तो वो वन ऑफ मैनी हो गया, वन ऑफ मैनी। जब तक हम उसको ना डिफाइन कर लें कि वो कौन से वाला है, तब तक जिसे हम बता रहे हैं उसे नहीं पता होगा वो कौन सा है। उसे ये तो पता है कि उनमें से एक है, लेकिन कौन सा है वो उसे नहीं पता, तो हम उस मैन को डेफिनेट माने इनडेफिनेट, ए आ गया। अब मान लो कहीं पे एक ही आदमी और हमने किसे पूछा तुम इस आदमी को जानते हो, अब क्या आंसर आएगा? आई नो द मैन। द मैन क्यों?
क्योंकि वो पर्सन उसके लिए डेफिनेट है, यही हमें यहां पे अप्लाई करनी है नॉलेज। अगर हम लिख रहे हैं अब फ्रेंड डैश, तो इसका मतलब ये जो पर्सन है बात कह रहा है उसका फ्रेंड एक ही है कई होंगे? कई होंगे। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये है वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी। अगर हम लिख रहे हैं द फ्रेंड ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट, तो इसका मतलब इस पर्सन का फ्रेंड एक ही होगा कई होंगे? एक ही होगा। तो इसका मतलब ये सिचुएशन हो गई द ओनली वन। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं द फ्रेंड ऑफ डैश सेंट मी दिस गिफ्ट, तो इसका मतलब इस पर्सन का फ्रेंड एक ही है और नहीं है। अगर हम लिख दें अ फ्रेंड ऑफ डैश, तो इसका मतलब फ्रेंड कई है, उनमें से एक ने गिफ्ट भेजा। अब ये एक वो हो गया जिसने गिफ्ट भेजा, यहां पे वो टोटल आएंगे जिनका ये पार्ट है, उस टोटल को रिप्रेजेंट कौन करेगा? भाई मान लो वो जो टोटल फ्रेंड्स हैं जिनमें से एक ने गिफ्ट भेजा है, उन टोटल फ्रेंड्स को रेफर करने के लिए अगर तुम्हें प्रोनाउन लिखना पड़े तो मी लिखोगे, माई लिखोगे, आई लिखोगे, माइन लिखोगे? माइन। तो इसमें आंसर आ गया माइन। अब बस एक छोटी सी बात जो समझनी है वो ये है कि ये पार्ट है और ये टोटल है। ये पार्ट कैसे है ये पता चला इस आर्टिकल से, क्योंकि अगर हम आर्टिकल ए लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये वन ऑफ मैनी है, क्योंकि कोई भी नाउन इंडेफिनिट तब होता है जब वो वन ऑफ मैनी हो। कईयों में से एक को रेफर करना है तो इंडेफिनिट है। अच्छा, किसी एक ही को रेफर करना है और कोई है ही नहीं, तो फिर वो डेफिनिट है। तो अगर हम द लिख रहे हैं तो माइन आ गया। अब जरा आ जाते हैं ई पे। अगर हमने यहां पे लिखा द फ्रेंड ऑफ डैश, तो अगर हम द फ्रेंड लिख रहे हैं तो ये पार्ट है या टोटल है? तो ये टोटल है। अगर ये टोटल है तो इसका मतलब इसका फर्दर टोटल तो कोई होगा नहीं, तो अब हम माइन किसके लिए लिखेंगे? अब ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर हम यहां पे द फ्रेंड लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन का फ्रेंड एक ही है, वो डेफिनेट है और वो टोटल है। अगर ये टोटल है तो इसके बाद में टोटल आ नहीं पाएगा, तो ये माइन गलत हो गया। अब तुम में से जो बच्चे पहले से जानते हो, आई आ नहीं सकता क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है, यहां पे मैं सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और माई भी नहीं आ सकता। माई इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि माई जो होता है ना वो डिटर्मिनर होता है, वो बिना नाउन के लिखा नहीं जाता। अब इसमें आंसर आ गया मी। तो ये जो हमारा बाद वाला क्वेश्चन है द फ्रेंड ऑफ मी, इसमें तो लिखो मी और फर्स्ट वाले में लिखो माइन। वो जो माइन है वो टोटल है और फ्रेंड जो उसका पार्ट है। अब इसी बात को अगर हम अभी प्रोनाउन के साथ सीख रहे हैं, मैं इसको नाउन पे कन्वर्ट कर देता हूं और एक क्वेश्चन यहां पे दूसरा लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। एन अंकल ऑफ सरल इज अ टीचर, एन अंकल ऑफ सरल इज अ टीचर। अगर मैं लिख रहा हूं एन अंकल ऑफ सरल इज अ टीचर, तो इसका मतलब सरल के अंकल एक ही होंगे कई होंगे? ध्यान दिया करो कुछ। अगर आर्टिकल एन लिख रहे हो तो इसका मतलब ये पर्सन डेफिनेट है इंडेफिनिट? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कोई कब? जब वो द ओनली वन हो या वन ऑफ मैनी हो? अगर वन ऑफ मैनी है तो इसका मतलब ये अंकल एक ही है और भी? और भी। ये वो वन हो गए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और यहां पे वो टोटल आ जाएगा। टोटल का मतलब समझ रहे हो? टोटल का मतलब है सरल के सारे अंकल्स। ये एक अंकल हैं जो कि टीचर हैं, लेकिन ये एक होंगे नहीं, क्योंकि अगर ये एक ही होते तो यहां पे आर्टिकल लिखा होता द। अगर हम आर्टिकल एन लिख रहे हैं तो इसका मतलब अंकल और भी होंगे। अब ये वो हो गए जो टीचर हैं, यहां पर वो आएंगे जो टोटल हैं जिनका ये पार्ट है। अब उन टोटल को कौन रिप्रेजेंट करेगा वैसे बताओ, सरल या सरल? ये जो सरल है ना, ये तो पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करेगा जिसका नाम सरल है, लेकिन अगर हम सरल से लिख देंगे तो ये सरल के पजेशंस को या रिलेशंस को रेफर करेगा। फिलहाल में अंकल की बात हो रही, तो सरल का मतलब हो गया सरल के अंकल्स। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा एन अंकल ऑफ सरल्स इज अ टीचर। अब मान लो यहां पे एन अंकल नहीं लिखा होता, यहां पे लिखा होता द अंकल, द अंकल ऑफ सरल इज अ टीचर। तो अगर हम यहां पे द अंकल लिख रहे हैं तो इसका मतलब सरल के अंकल एक ही हैं और भी हैं? एक ही हैं। तो ये पार्ट हुआ या टोटल हुआ? टोटल हो गया। अब अगर ये टोटल हो गया तो ऑफ के बाद फिर तो हम फर्दर टोटल लिख ही नहीं सकते जब ये टोटल है, तो ये लो सरल भी सही हो गया। अब एक चीज और भी समझ लेना, यहां तो चलो हमने सरल लिखा वो सही है, लेकिन ये जो ऑफ सरल है इसकी यहां पे क्या जरूरत है? अगर मैं वो भी समझाऊं तो इसकी देखो क्या जरूरत है, वो भी समझा देता हूं। जब हम पजेसिव केस लिखते हैं ना कभी भी इस तरीके से, जैसे हमने लिखा राम्स कार्स, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कार्स ऑफ राम।
असल में जो हम पजेसिव केस नाउन का लिखते हैं ना और ऑफ के साथ में जो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं सेम होते हैं, ये दोनों ही हुज का रिप्लाई होते हैं। अब चाहो तो हम इसे ऐसे लिख दें राम्स कार और चाहे हम इसे लिख दें कार्स ऑफ राम, इन दोनों का मीनिंग सेम है। अगर इन दोनों का मीनिंग सेम है तो मान लो मैंने लिख दिया माय कार्स और मैंने लिख दिया कार्स ऑफ मी, इन दोनों का भी मीनिंग सेम हो जाएगा। तो ये जो माई लिख रहे हैं पजेसिव केस का डिटर्मिनर और ये जो ऑफ मी लिख रहे हैं इन दोनों का भी मीनिंग सेम ही होता है। यही कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे काम करता है। जब हम कहते हैं माई फ्रेंड तो हम माई फ्रेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं द फ्रेंड ऑफ मी, द फ्रेंड ऑफ मी। अच्छा अगर ये हो माई फ्रेंड्स तो हम माई फ्रेंड्स को लिख सकते हैं द फ्रेंड्स ऑफ मी। तो जब हम बात टोटल की करते हैं तो हम द आर्टिकल लिखकर नाउन के साथ लिखते हैं। अगर एक ही फ्रेंड है तो द फ्रेंड लिखोगे, बहुत से फ्रेंड्स हैं तो द फ्रेंड्स लिखोगे। तो हम माई फ्रेंड को लिख सकते हैं द फ्रेंड ऑफ मी और माई फ्रेंड्स को लिख सकते हैं द फ्रेंड्स ऑफ मी। लेकिन अगर बात हमें कईयों में से एक ही करनी हो, जैसे कि हमने लिखा था माई अ फ्रेंड, तो ये जो ए है ना ये पार्ट है, माई फ्रेंड मतलब टोटल हो गए और उनमें से एक है, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। और नहीं ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा फ्रेंड ऑफ माइन। अब जब हम ए लिख देते हैं ना तो इसका मतलब यही माना जाता है, जैसे हमने लिख दिया फ्रेंड ऑफ माइन, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही हो गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स अब फ्रेंड ऑफ माइन, इनको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो हमने माई ऑफ फ्रेंड लिखा था ना वो हमारा इसीलिए गलत हो गया क्योंकि जब पार्ट और टोटल को रेफर करना होगा ना तो हमेशा ऑफ प्रिपोर्शन लिखनी पड़ेगी। अब जरा वहां पे वो सेंटेंस पे जाओ, वो जो हमने सेंटेंस लिखा वी शुड लिसन टू एवरी वर्ड ऑफ दिस वाइज मैन, वो जो एवरी वर्ड हमने लिखा है वो टोटल है या पार्ट है? पार्ट पार्ट पार्ट, हमेशा पार्ट। जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, जैसे हमने लिख दिया एवरी वर्ड, तो इसका मतलब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये पार्ट है। अच्छा इस पार्ट का टोटल क्या वो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। तो बात वहां पे किसकी हो रही थी? वर्ड की। तो अगर हम ये लिख रहे हैं एवरी वर्ड ऑफ दिस वाइज मैन, तो ये एवरी वर्ड जो है ना ये भी पार्ट है। अगर ये पार्ट है तो इसके बाद में टोटल आएगा और वो टोटल ये है। एक और एग्जांपल से समझ लेना, दिस कार ऑफ यू इज वेरी कॉस्टली, ये कॉमन कॉन्टेक्स्ट है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, उसके क्वेश्चंस कई बन जाते हैं। दिस कार ऑफ यू इज वेरी कॉस्टली, दिस कार ऑफ यू इज वेरी कॉस्टली, अगर हम ये लिख रहे हैं दिस कार ऑफ यू, तो इसका मतलब इस पर्सन के पास कार एक ही होगी या बहुत सी होंगी? इस पर्सन के पास कार एक ही होगी या और भी होंगी? अगर दिस कार लिख रहे हैं तो इसका मतलब कार होंगी और भी, क्योंकि अगर और कार नहीं होती तो इसको पता है हमें क्या लिखना पड़ता, हमें इसे लिखना पड़ता योर कार। और वैसे भी एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब हम दिस यूज करते हैं ना तो वहां पे दैट होता हमेशा है, जो पास की चीजें होती हैं उनके लिए दिस आ जाता है, जो दूर की होती है उनके लिए दैट आ जाता है। तो अगर हम दिस कार लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस पर्सन के पास में कार एक ही नहीं है, होंगी और भी, लेकिन ये वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये पार्ट हो गया और इसके बाद में टोटल आएगा। टोटल का मतलब सारी कार्स। अगर हमें कार्स को रेफर करने के लिए प्रोनाउन लिखना हो तो यू लिखोगे या योर्स? तो यहां पे आंसर आ जाएगा योर्स। तो जैसे हमने दिस लिख दिया या एवरी लिख दिया या वन लिख दिया, तो इनसे हमें यह पता चल जाता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया ना ये टोटल नहीं है, पार्ट है। अगर ये पार्ट है तो ऑफ के बाद हमेशा टोटल लिखना पड़ता है। अब उस टोटल को रेफर करने के लिए या तो प्रोनाउंस लिखो योर्स माइन वगैरह, और नहीं तो पजेसिव केस से लिखो। वो जो हमने मैंस लिखा ना वही है, दिस शर्ट ऑफ कमल इज कॉस्टली, अब जैसे हमने लिखा दिस शर्ट ऑफ कमल इज कॉस्टली, तो इसका मतलब कमल के पास एक ही शर्ट होगी और भी होंगी? और भी होंगी। हम बात उनमें से एक ही कर रहे हैं, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो टोटल है या पार्ट है? पार्ट है। अगर ये पार्ट है तो ऑफ के बाद में क्या लिखना पड़ेगा? टोटल। टोटल का मतलब उसकी सारी शर्ट्स। अब उन शर्ट्स को अगर रेफर करना हो तो उसके लिए कमल लिखोगे कमल्स? तो ये हो गया आंसर।
तो फिर से समझ लो ये एक ही स्ट्रक्चर होता है, चाहे हम इसको लिख दें आ कार, चाहे हम लिख दें एवरी कार, चाहे हम लिख दें दिस कार। जब भी हम ये लिखते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि हम टोटल में से किसी पार्ट को रेफर कर रहे हैं। अगर पार्ट को रेफर कर रहे हो तो ऑफ के बाद में टोटल लिखना पड़ेगा। अब उस टोटल को लिखने में हमसे गलती हो जाती है, तो ये अपना इस तरीके से लिखा करो, या तो योर्स या कमल्स वगैरह वगैरह। चलो अब इस पर आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे बिलीव्ड इन गॉड इज नॉट ट्रू। देखो आंसर क्वेश्चन तो ये भी गलत है। अब इसमें क्या गलत होगा अपने सोच समझ के एक बार बता सकते हो तो कुछ बताओ, बाकी आज तो किसी को कुछ समझ में बता दो कुछ भी। चलो छोड़ो, इसका आंसर नहीं बताना चाहते तो मैं एक दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उससे बात जल्दी समझ जाओगे, उसका बताओ। Birds have no mind is not a fact. अब जैसे हमने कह दिया birds have no mind is not a fact, ये बता दो सेंटेंस सही या गलत। अरे सही या गलत? नहीं गलत है। अब ये गलत क्यों, देखो ये भी समझ लेना, इज नॉट फैक्ट जो हमने लिखा ना ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट फिलहाल में कोई ऐसी बात होती है सेंटेंस में जो हम किसी के बारे में कह रहे होते हैं, तो हम इज नॉट अ फैक्ट ये कह रहे हैं किसी के बारे में कि ये फैक्ट नहीं है। क्या नहीं है फैक्ट, वो सब्जेक्ट क्या है वो लिखा ही है। तो ये जो हमने लिखा ना बर्ड्स हैव नो माइंड, ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हमने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना लिया। ये स्टेटमेंट हमारा सब्जेक्ट है कि बर्ड्स हैव नो माइंड्स, और इस स्टेटमेंट को लेकर हम ये बात बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट एक फैक्ट नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना रखा है ना, तो तुम में से जो बच्चे पहले से जानते हो तो ठीक है, जो ना जानते हो मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट इंग्लिश में हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर किसी स्टेटमेंट को नाउन बना के लिखोगे तो उसके साथ में कंजंक्शन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉजेस जो होती हैं जिनको हम स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे हैं वो बिना कंजंक्शन के लिखे नहीं जाते। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा दैट बर्ड्स हैव नो माइंड इज नॉट अ फैक्ट। अभी जो दैट है ना हमें यहाँ पे बोलने में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि हमारे हिसाब से दैट सेंटेंस के शुरू में आना नहीं चाहिए, लेकिन यही सही भी लगने लगेगा अगर हम इस सेंटेंस को चेंज करके ऐसे लिख दें इट इज नॉट अ फैक्ट दैट बर्ड्स हैव नो माइंड। अब ये बोलने में अजीब नहीं लगेगा, बोलने में सही लगेगा, लेकिन होता क्या है कि बोलने में सही लगेगा अजीब लगेगा, इशू वो नहीं है, इशू ये कि वो ग्रामेटिकली सही है गलत है। अभी जो हमने लिखा ना दैट बर्ड्स हैव नो माइंड, देखो ये अभी भी नाउन है, लेकिन अब हमने क्या किया इस सेंटेंस में उस नाउन की जगह एक प्रोनाउन इट यूज कर लिया। इट इज नॉट अ फैक्ट दैट बर्ड्स हैव माइंड। अब ये जो इट हमने प्रोनाउन यूज किया वो उसी क्लॉज की जगह पे यूज हो गया। अब चाहो तो उसे यहां पे फिर से लिख लो, इट को हटा दो, और नहीं तो इट को यहां पे लिखा रहने दो उसको वहां लिख दो। तो ये जो इट हम यूज कर रहे हैं ना हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट उस स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा है जो सब्जेक्ट। इट इज आई हु कैन डू इट, ये जो सेंटेंस है ना अगर हम इसको चाहें तो दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं आई कैन डू इट। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो आई है, लेकिन अगर हम इस बात को स्ट्रेस करके कहना चाहते हैं कि मैं ही हूं जो इसको कर सकता हूं, तो हमने क्या किया इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यहां पे आई को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिख दिया। इसी तरीके से जो हमने दैट बर्ड्स हैव नो ब्रेन माइंड स्टेटमेंट है ना उसकी जगह हमने इट लिख दिया। अगर हम चाहें तो इस इट को हटा के फिर से उस दैट को लिख सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कह रहे हैं, चाहे ऐसे लिख दो दैट बर्ड्स हैव नो माइंड इज नॉट अ फैक्ट, और चाहे लिख दो इट इज नॉट अ फैक्ट दैट बर्ड्स हैव नो माइंड, ठीक। अब ये जो दैट हम यहां पे यूज कर रहे हैं ये है क्या ये भी समझ लेना, ये एक कंजंक्शन होता है, ये एक कंजंक्शन होता है जो उस स्टेटमेंट को नाउन बना देता है। अगर नहीं लिखोगे तो स्टेटमेंट नाउन नहीं बनेगा, अगर हमने दैट लिख दिया ना तो वो नाउन क्लॉज बन जाते हैं, उसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो चाहे बना के यूज कर सकते हैं। अब एक तो ये वर्ड हम दैट यूज करते हैं, कई बार एक वर्ड तुमने देखा होगा इसकी जगह वर्ड यूज होता है। अभी जो वर्ड होता है ना ये कंजंक्शन नहीं ये प्रोनाउन होता है। मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जब किसी क्लॉज में हम दैट का यूज करते हैं वर्ड का यूज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। That लिखते हैं तो वो नाउन बन जाता है, लेकिन जब वर्ड लिखते हैं तब ऐसा नहीं होता, ठीक है। वर्ड के साथ में एक खास चीज इन्वॉल्व हो जाती है, वो क्या है वो हमें जब समझ में आ जाएगी तो हम जान जाएंगे इस सेंटेंस में गलत क्या है, और नहीं तो ट्रांसलेशन करते रहो कुछ भी करते रहो पता चलेगा नहीं, ठीक है।
तो जो व्हाट हम यूज करते हैं, अगर हम मान लो इस दैट की जगह व्हाट लिख दें तो ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? मान लो हम ऐसे लिख दें, इट इज नॉट अ फैक्ट व्हाट वर्ड्स हैव नो माइंड, ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। अच्छा कोई और ऐसा सेंटेंस लिख दें जिसमें व्हाट सही हो जाए, दे डिडंट बिलीव व्हाट इज सेड, अब ये व्हाट सही हो गया। अब इसमें अगर दैट लिखोगे तो गलत हो जाएगा, उसमें व्हाट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा क्वेश्चन है ना, दैट और व्हाट के डिफरेंस पे बेस्ड है बस आंसर। शायद अब तुम उसका गेस भी कर पाओगे कि वो जो वर्ड लिखा है ना उसकी जगह दैट लिख दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या होगा कि दैट लिख देंगे तो सही हो जाएगा, वर्ड लिखने से गलत क्यों है, उसके लिए ये चीज और समझना। ये जो हमने लिखा ना, दे डिड नॉट व्हाट ही सेड, दे डिडंट बिलीव व्हाट ही सेड लिखना, दे डिड नॉट बिलीव व्हाट ही सेड। इसमें जो व्हाट वर्ड है ना, ये प्रोनाउन है, व्हाट हु हुम ये सब प्रोनाउन होते हैं। ये जो व्हाट हमने यूज किया ना, ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, एक चीज। दूसरी बात, ये जितने डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होते हैं ना, व्हेन वेयर व्हाई हाउ, ये सब कंजंक्शन भी होते हैं। तो ये जो वर्ड साथ ही साथ में कंजंक्शन भी है जो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। इनमें से जो बाद वाला स्टेटमेंट है ना, व्हाट इज सैड, ये भी एक नाउन स्टेटमेंट है, नाउन क्लॉज है, जो इस बिलीव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को समझ लेना रिलेट करके। यहां पे जो हमने दैट यूज किया, ये केवल एक कंजंक्शन है और ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब वो इस इट की जगह पे यूज हुआ है। लेकिन ये जो हम व्हाट यूज करते हैं ना, ये खुद एक प्रोनाउन होता है। अगर व्हाट का यूज करोगे किसी सेंटेंस में तो उसको भी किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे ये व्हाट जो है वो इस सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये पूरा स्टेटमेंट इस बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट के साथ लिखे गए क्लॉजेस जो होते हैं वो भी नाउन होते हैं, दैट के साथ लिखे गए वो भी नाउन होते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि जो व्हाट होता है ना वो खुद भी एक प्रोनाउन होता है, तो हमें उसको भी सेंटेंस में जस्टिफाई करना पड़ता है। दैट कंजंक्शन होता है, तो दैट के साथ लिखे गए क्लॉज भी नाउन है, व्हाट के साथ लिखे हुए क्लॉज नाउन है, ठीक है। दैट के साथ लिखे गए क्लॉज में सब हमारे पास क्या होता है कि उस दैट को जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, लेकिन व्हाट के साथ लिखे गए क्लॉज में व्हाट को जस्टिफाई करना पड़ता है। दे डिडंट बिलीव that animals can talk, अभी जो sentence हमने लिखा इसमें हम word नहीं लिख सकते, इसमें that लिखना पड़ेगा। they didn't believe हमने लिखा, didn't believe verb हो गई, that animals can talk ये जो पूरा statement है ये statement is believe verb का object हो गया। अब उसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो that हमने लिखा ना, हमें उसे justify नहीं करना, वो कैन टॉक वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कैन टॉक वर्ब जो है ना वो इंट्रांसिटिव, उसका तो ऑब्जेक्ट आता नहीं है। लेकिन जो सैड वर्ब है वो ट्रांसिटिव, उसका तो ऑब्जेक्ट भी आता है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन जाए, इन दोनों को जोड़ भी दे, तो ये हमने व्हाट यूज कर लिया। लेकिन जब हम दैट यूज करेंगे ना, तो दैट केवल कंजंक्शन होता है, वो प्रोनाउन नहीं होता। अब इस सेंटेंस में वापस आओ, ये जो हमने वर्ड लिखा है ये एक प्रोनाउन है, अगर इसे सेंटेंस में यूज करोगे तो इसको भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट हम इसे बना नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद हमने प्रीपोजिशन लिख दिया इन गॉड, ठीक है। अच्छा, दे जो है वो बिलीव वर्ब का सब्जेक्ट है, इज नॉट ट्रू जो हमने लिखा है फैक्ट, इस फैक्ट का स्टेटमेंट ये पूरा स्टेटमेंट है, तो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम सब्जेक्ट मान लें इज नॉट ट्रू के लिए, तो फिर ये जो व्हाट है इसकी तो कोई जरूरत ही सेंटेंस में नहीं बची, ना तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा के दैट लिखो। अभी जो हमने दैट लिखा ना, दैट द बिलीव इन गॉड इज नॉट ट्रू, ये हमें क्वेश्चन बड़ा आसान लगने लगेगा अगर इसको ऐसे ना करके इस तरीके से लिखा जाए, इट इज नॉट ट्रू दैट दे बिलीव इन गॉड, इट इज नॉट ट्रू दैट दे बिलीव इन गॉड। अब अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा तो मुझे लगता है कोई भी जान पाएगा कि ये सही है गलत है। तो ये जो हमने इट यूज किया ना यहाँ पे, ये इस नाउन क्लॉज की जगह यूज हुआ, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे हमने उसमें यूज किया, इट इज नॉट अ फैक्ट दैट बर्ड्स हैव नो ब्रेन, ठीक। तो जब तुम्हें ये पता चल जाए कि जिस क्लॉज को हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा नाउन क्लॉज होती है। अब नाउन क्लॉजेस दो तरीके से फॉर्म की जा सकती हैं, या तो व्हाट के साथ या दैट के साथ। डिफरेंस बस इतना होता है कि जब व्हाट यूज करते हो तो ये खुद प्रोनाउन होता है, इसको भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर ऐसा ना करना हो तो भी दैट लिखा करो, ठीक है। बाकी जब कंजंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में डिस्कस होगा। अब आज मुझे लगता है हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी अब सहन कर नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा गर्मी है। और कल मिलते हैं, ठीक है।
हरे।